मानगो में यूसुफ कांचवाला द्वारा आदिवासी की जमीन को हड़पने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता प्रमोद लाल के नेतृत्व में आजाद नगर थाना में प्रदर्शन किया गया। मैं सोमू माझी और मेरा जो दादाजी का जो नाम है वो ठकरा माझी, मैं उनका पोता हूं और हम ही लोग जमीन से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं यूसुफ कांचवाले के संबंध में। तो हमारी जमीन को वो यूसुफ कांचवाला ने अपना जाली दस्तावेज बनाकर अपना बाउंड्री कराकर प्लॉटिंग करके वो अंदर ही अंदर बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ को बंद करने हेतु और हमारी ज़मीन को जो हमारी जो हक है वो हमें मिलना चाहिए और जो भी हम लोग आगे जो कार्रवाई ना हो अगर ना सुनी जा रही हो तो इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री और चंपाई सोरेन तक ही हम लोग बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि मानगो आजाद नगर थाना के अंतर्गत एक खतरा माझी का ज़मीन था और उनका दो बेटा था और आज वो एक बेटा जिंदा है, दो बेटा मर गया। उनके ज़मीन को आपको यूसुफ कांचवाला कब्जा कर लिया है और इस चीज़ को लेकर हम लोग विगत दिन डीसी को भी ज्ञापन दिए थे, सीनियर एसपी और एसटीओ सीओ को, सारे लोगों को हमने कागज़ देने का काम किया था और जानकारी हम लोग दिए थे कि इस तरह का आदिवासी का ज़मीन को ज़बरदस्ती दखल कर रहा है। आज उसी को लेकर हम लोग थाना में गए थे, थाना प्रभारी हम लोग के साथ वहां जाने का काम किया जहां पर उसकी ज़मीन है और जांच किया कि उस ज़मीन में कब्जा करके बाउंड्री वाल ऊंचा कर दिया है और इनके जो लगाए हुए गाछ है सागवान सबको काट के गिरा दिया और फ्लोटिंग करके घर बना रहा है। इसको लेकर आज हम लोग थाना प्रभारी के यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं, उनके पूरे खानदान आए थे, हम लोग ने आज प्रदर्शन करने का काम किया है और हम लोगों ने मांग किया है कि आदिवासी को न्याय दिलाए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन इन लोग आंदोलन को तेज करेगा, आने वाला दिन में अनशन पर भी डीसी के साहब के गेट पर बैठने का काम करेगा, नहीं होगा तो अमर अनशन भी करेगा। इन लोग तैयार है। मौके पर प्रमोद लाल के अलावा गुरमीत सिंह गिल, राज लकड़ा, इंद्रपाल सिंह, पिंटू लाल, सोनू माझी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदित हो कि कोरोना काल रहने के लिए दूसरी जगह चले गए थे। इसी दरमियान यूसुफ कांचवाला ने दीवार को तोड़कर अपने कब्जे में 5 बीघा जमीन ले लिया। देखिए हम लोग कल से लगे हुए हैं, हम लोग डीसी साहब से भी मिले हैं और कल रात को हम लोग सीनियर साहब से भी मिले, लेकिन सीनियर साहब को जब हम लोग मिले हैं सीनियर एसपी से तो थाना प्रभारी को उन्होंने पूछा तो थाना प्रभारी के द्वारा जो है सीनियर साहब को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये दानिश नाम के युवक की हत्या हुई है वही ज़मीन है, जबकि हम लोगों ने एसएसपी साहब को कहा कि ये वो ज़मीन नहीं है। तब जो है सीनियर साहब ने कहा कि ठीक है आप लोग, मैं थानेदार को कह देता हूँ आप लोग स्पॉट पर कल जाइए और उसको जो है सारा चीज़ का आप लोग भी सर्वे कीजिए, देखिए कि सही क्या सही गलत क्या है। आज हम लोग जब थानेदार के पास गए हैं और हम लोग स्पॉट पे पहुँचे हैं तो वो देखे एक विशाल भूखंड है और उसमें कम से कम 100 कट्ठा का वो ज़मीन है और उसमें जो साल के सागवान के पेड़ लगे हुए थे उसको काट दिया गया है, काट कर उसको जो है दूसरी जगह भेजा जा रहा है, ठीक है, और बाउंड्री वाल भी हुई है और उसका सारा वीडियोग्राफी हुआ है। वीडियोग्राफी करके जो है तब फिर हम लोग थानेदार को फिर हम लोग बोले कि कम से कम आप इसमें 144 लगाइए, काम आज भी चल रहा है, 2 दिन से हम लोग लिखा पढ़ी करके दिए हुए हैं लेकिन काम नहीं बंद हो रहा है। तो अब जो है थाने प्रभारी ने कहा कि मैं 144 लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ठकरा माझी है इनका जो इतना बड़ा परिवार है ये लोग सीधे साधे हैं और ये लोग ऐसे झारखंड के आदिवासी ऐसे नहीं है कि किसी की ज़मीन को या किसी का हक अधिकार को बोले कि ये हमारा है, ठीक है, ये सीधे साधे लोग हैं और इनको जो इनके साथ में छल कपट इनको डरा कर जो है इनकी ज़मीन को जो है वो लोग कब्जा किया है और हम लोग जो है जब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनका हक अधिकार उनको नहीं दिला पाए। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह का रिपोर्ट, CFI समाचार। शरीर अच्छे तो रोग अच्छे, रोग अच्छे तो आमे अच्छु, आज्ञा हाँ आपणक शरीर जनित समस्त समस्यार समाधान उपाय को नहीं आमे आसुछु बहुत जल्दी आपणक पाखकु आमर स्वतंत्र कार्यक्रम हेल्थ प्लस माध्यम रे।
सिद्धगोरा थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर परिसर में विधायक सरजू राय समर्थकों द्वारा किए गए हंगामे के विरोध में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में भाजपा समर्थक आज साक्षी आम बागान से उपायुक्त कार्यालय पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इसके बाद उपायुक्त को शिकायत पत्र देकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला तो आप लोग को मालूम ही है कि कल सूर्य मंदिर में जो गुंडागर्दी हुई थी उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन देने के काम किया। उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में ADM से हमने बात किया, हम लोगों ने ADC से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया और CTSP से हमने बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी DC साहब ने बैठक बुलाई है, अब बैठक में इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने ये गुहार लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें यहाँ के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है, उस दल के उपाधिकारी भी हैं, वो लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी करने का काम किया, 10 बजे सूर्य मंदिर वो लोग आए थे, फिर जहाँ गाली गलौज करने का काम किया। आने वाले में हर राम सिंह हैं और उनके साथ और सहयोगी लोग थे, मैंने कल नाम भी दे दिया है। आज फिर उन्होंने गुंडागर्दी काम किया। उन लोगों का एक ही मकसद है कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो सूर्य मंदिर का निर्माण किए, राम मंदिर का निर्माण किए, तो वो उनका नाम नहीं हो और उनको वहाँ से भगा दिया जाए, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ के राम भक्त हैं, राम भक्त सारे जानते हैं कि कौन अधर्मी है। अगर कोई अधर्म करने काम करेगा तो भगवान तो सजा देंगे ही और हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी कह दिया कि सूर्य मंदिर कमेटी चूड़ी नहीं पहनी है। हम लोगों ने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर आप लोग एक्शन नहीं रहते हैं तो सूर्य मंदिर कमेटी राम भक्तों के साथ खुद ही एक्शन लेने कार्य करेगा। इससे पहले बीते शनिवार को संजीव सिंह के बयान पर सरजू राय के समर्थक के खिलाफ सिद्धगोरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। सूर्य मंदिर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विधायक सरजू राय समर्थकों के बीच कभी भी खून खराबा हो सकता है। इस बात को मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने भी स्वीकार किया है। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह का रिपोर्ट CFI समाचार।